आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना की घोषणा की है वह सचमुच छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपयोगी योजना है। इसमें लाखों रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे, साथ साथ राष्ट्रभक्ति का भी जागृति होगा और लोग जो कुछ लोग ये भकावे में इस प्रकार के गलत आंदोलन को मोड़ देने का काम कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा छात्र युवा शक्ति से, मैं भी एक आंदोलनकारी छात्र जीवन से रहा हूं, आप सब जानते हैं, और 74 के लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन का एक कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, इनके चेहरे को नकाब को उतारने का है कि आज़ादी के 75वें वर्ष तक इन्होंने कुछ भी देश को नहीं दिया। आज जब देश के युवा शक्ति को रोजगार मिल रहा है, सुनहरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप छात्र हैं, युवा हैं, आप इस प्रकार के आंदोलन में ना आए। कुछ लोग छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके और अपने राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर छात्रों और युवाओं के लिए सोचते रहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये योजना बहुत ही दूरदृष्टि और दूरगामी परिणाम लाने का एक बहुत बड़ा सार्थक पहल है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस योजना से लाखों छात्र युवा लाभान्वित हो ही नहीं बल्कि उनमें जो राष्ट्रभक्ति जगेगा, राष्ट्रभक्ति लो हृदय में हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा, तो मुझे आज के इस युग में, आज के इस राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी अग्निपथ पर आकर के और हम ये संकल्प लें, हम देश के लिए, दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े कई देशों में, इज़राइल में भी ये काम होता रहा, हर लोग वहाँ सेना में है, मुझे लग रहा है कि हर बच्चे स्कूल से पास करने के बाद सेना में भर्ती होते हैं, तो ये तो आपके रोजगार के अनेक साधन दिए, इसको आप समझिए, इसको जानिए, और आपका निश्चित रूप से भविष्य भी उज्जवल होगा, ना केवल ये 4 वर्ष के लिए बल्कि आने वाले दिनों में आप कभी भी जीवन के